जी हमारा इसी इस पे अभी सवाल है कि आज के दिन में गुरु के पास घर में रह के सीखने का जो वो एक दौर था, तो वो मुश्किल होते जा रहा है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? अभी इतना जमाना सब चेंज हो गया। अगर गुरु के घर में रहते हैं तो कितना बढ़िया होता। देखिए हमारा ये तो संगीत गुरुमुखी विद्या है ना, ये तो किताब में नहीं होता है। ये कोई किताब कंप्लीट कर लिया, बीए डिग्री हो गया, एमए हो गया, एमडी हो गया, ये तो इसमें नहीं होता है। एमए किया, वो किया, इसमें जो गुरु शिष्य परंपरा होता है वो गुरु के घर पे ही हो सकता है, क्योंकि गुरु से सीख के घर चला गया तो घर पे मेरा शिष्य क्या करते हैं मुझे पता नहीं। नेक्स्ट दिन जो क्लास होता है कुछ गलत हो गया तो पूरा गया एक हफ्ता। जी तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है गुरु को देखना, सुनना, वॉच करना, उनका स्टेप, एवरी स्टेप चलना है। तो इसलिए ही तो हम लोग अभी जो अभी जेनरेशन में 2-3 दिन का जो शिविर करते हैं ना, सब लोग करते हैं, सितार वादक भी करते हैं, तबला वादक, वो बहुत अच्छा है। कम से कम कुछ तो मिलता है गुरु से मिलता है, मतलब बोल नहीं, बोल तो 2 मिनट में मिल जाएगा। गुरु कैसे चलते हैं, कैसे बातचीत करते, कैसे सोचते हैं, कैसे चिंता करते हैं, ये सब चीज है जो मैं जैसा कोई शिष्य का अगर सिखाओ धातक धातक के ना धाती के ना तू ना के ना, तो उसका कितना किसी भी हो सकते हैं, वो गुरु का साथ रह के नहीं रहो तो मुश्किल हो जाएगा और डिले भी हो जाएगा बहुत। ये है तो आजकल का दिन में गुरु शिष्य परंपरा, गुरु का पैर पकड़ के रहो तो बहुत कुछ मिल सकता है। जैसा काने सगा मगरे सा, ये गुरु सिखाया एग्जाम्पल, तो इसको आप दाने सा, ये आपको हर चीज सिखाने का मुश्किल है, ये अपने गुरु को देख के करना है, बहुत चीज है। तो वो जब तक गुरु खुशी रहते हैं तब शिष्य को है ना, ये सब चीज है। आजकल गुरु शिष्य का मेरे ख्याल में तो मुश्किल हो गया, गुरु का घर पे जाएगा ही नहीं है। और मैं एक दो स्टूडेंट को घर पे रखता हूँ, होल ईयर जो राजस्थान से है वो चला गया, अभी अभी आ जाएगा। तो कम से कम लेकिन जो मैहर में अलाउद्दीन हसन का था 15 दिन, देखो साल के साल भर गुरु के साथ रहते हैं, अलग से घर लेते हैं लेकिन पूरा दिन रात तो गुरु का पास ही रहते हैं, खाना पीना ये बातचीत करना, वो चीज चला गया तो अपने आप को कुछ करना पड़ेगा। मैं भी तो गुरु शिष्य परंपरा में सीखने को नहीं मिला इतना, ये मैं आफाक हुसैन खान साहब से हफ्ता में सब वीक में 2 दिन जाते थे, 3 साल उनके साथ था कलकत्ता में जब थे, फिर गुरु जी से ज्ञान बाबू से मेरा 30 साल से ज्यादा तालीम हुआ और सेवा किया। तालीम क्या हुआ मुझे पता नहीं, सेवा तो किया। तो स्ट्रगल बहुत था, मेरा गांव में घर था, स्ट्रगल स्ट्रगल को आप सक्सेस नहीं करोगे तो डरोगे तो बस मर जाओगे, स्ट्रगल करना है। और तुम्हारा जो स्ट्रॉम आता है ना जीवन में, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स आता है, उसको उसको भी डाइजेस्ट करना है। नहीं तो मैं कितना देखा अच्छा अच्छा कलाकार को खत्म हो गया, नहीं कुछ गड़बड़ हो गया फैमिली में, ये वो सब किया। तो हम भी तो मीडियोकर का फैमिली का था, लेकिन मेरा घर पे अच्छा चाचा जी का सपोर्ट था और वो अच्छा गुरु मिल गया, थैंक गॉड दैट। अच्छा गुरु नहीं, जो बस गुरु हो सकते हैं वो गुरु ही मिल गया। तो
जो भी गुरु जी के पास में जो तालीम हुआ उन्होंने ये बोलते थे, जो देखो अगर धाते के धाते के धाते के धाते के धाते लाखों लोग बजाते हैं, तो इससे आप जरा रस, जो रस है वो निकालो। तो मैं समझता नहीं रस कैसे निकाल सकते हैं। बोला इसमें एक्सेंट देना चाहिए, फिर मैंने एक दो हफ्ता किया, फिर गुरुजी बोला तुम्हारा माया कम होता है, माया माया के ऊपर फोकस करो। फिर माया का ऊपर फोकस किया, देखा अरे ये तो चेंज होते रहते हैं, ये गुरु से ये सब चीज मिलना चाहिए। तब एक कायदा को ज्यादा, मैं तो 50 कायदा जानता हूँ लेकिन 5-6 कायदा को तैयार किया, इससे ही सब होता है। देखिए पब्लिक को, दर्शक को, श्रोताओं को, अब तो एक ऐसा चीज तो 4-5 ऐसा चीज तो प्रेजेंट करना चाहिए जिसमें स्टैंडिंग ओवेशन मिले। 20 चीज बजाने का जरूरत नहीं। धीरे धीरे जब बजाते हैं, धीरे धीरे बजाते हैं, उसके बाद में जो मध्य लय के जो आते हैं, जैसे हल्के धीरे धीरे से भी छोटे बोल तिट तिरिकिट, तो इमीडिएट धीरे धीरे बजाने के बाद तिट तिरिकिट ये सब बजाने में थोड़ा सा चेंज ऑफ पेस होता है, चेंज ऑफ एनर्जी या कुछ चेंज होता है, तो उसको कैसे हम हैंडल करें? नहीं वो सबसे हमारे म्यूजिक में बड़ी चीज, सबसे मैंने ये महसूस किया जो अंदाजा अंदाजा और लेंथ मेजर करके आपको यहाँ रख के देना है। जैसा सचिन तेंदुलकर लेंथ, बैट्समैन लेंथ बोलिंग होता है लेंथ में, वो तबले पे भी है, जो बेटा धाती धाके का धाते धाते धाके तो मैंने यहाँ बजेगा, चाहे धीरे धीरे आगे हो या बाद में हो, और धीरे धीरे जो पाम पाम होना चाहिए। देखिए मैं दोनों कॉम्बिनेशन एक साथ करता हूँ इमीडिएट, जैसा धा धीरे धीरे तक धुन ना कर तक, ये एक और धाती धागे ना धा धीरे धाती धागे धुन ना करना, ये बिल्कुल अलग अलग है। लेकिन मुझे पता है जो अंदाजा जो लेंथ का कहाँ प्लेसिंग है वो 100% श्योर होके ही मैं करता हूँ, वो तो दिमाग में होना चाहिए। जैसा कहाँ तक मुझे फिंगर लेके जाना है ये भी हो सकता है, और कोई अंदर में बजाता है गलत नहीं है, कोई थोड़ा इधर बजाता है वो भी गलत नहीं है। जो चीज मैं बजाता हूँ उससे बहुत पहले मैं सोच लिया, वही पहले ही सोच लिया, तब नहीं देर हो जाएगा, उम्मीद हो जाएगा, पहले ही सोच लो लेना और लेंगे यहाँ आ जाएगा दिमाग में बस। गुरु जी आपने वो पहले सोचा, जैसे आप बोल रहे थे वो लय के बारे में सोचा या बोल के बारे में? लय तो गुरु जी करते थे, मैं बचपन में क्या करते थे, एक मेरा चाचा ने एक तिरताल का झमताल का सोलो फिक्स कर दिया था 20 मिनट का, तो गुरु जी ने बोला उसको ठेका लगा के, मेरा चाचा सितार बजाते थे, सितार में नगमा होता था, लेकिन गुरु जी कहते थे उसको ठेका बजाने दीजिए और वो बोल पढ़ने दीजिए, तो मैं इसे करके प्रैक्टिस किया, धा धिन ना धा 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 ध
जाते जाके ना दूर ना करना दिन ना करना जाते जाके दूर ना करना दा कर जाते करना दूर ना जाते जाके ना दूर ना जाते जाके ना दा कर दूर ना करना करना दा कर जाते जाके ना जाते जाके दूर ना करना दा कर जाते जाके जाते जाके दिन ना करना दा जाते जाके ना जाके दूर ना कर जाते जाके ना दा कर दिन ना करना जाते जाके और पलटा भी ऐसे चलेगा हाथ पे ठेका चलेगा तो इससे बहुत आसान इससे बहुत ये होता है हेल्प होता है क्योंकि आप देख सकते हैं यू कैन सी व्हेयर यू आर ना जी तो एक प्रश्न ऐसा भी है गुरुजी कि ये हम फेस करते हैं यहाँ पे इंस्टीट्यूशन पे सिखाते हैं तो हमको ये चैलेंज है कि गुरु शिष्य परंपरा भी बनाए रखनी है और हमारा एकेडमिक में जो सिलेबस भी दिया गया है उसको भी सिखाने की कोशिश करनी है तो ये परंपरा जो है तो इसमें अभी हमारे स्टूडेंट्स को आप क्या मार्गदर्शन कि वो डिसाइपल किस तरह से बिहेव करना चाहिए ताकि उसको एकेडमिक में मिल जाए और गुरु शिष्य परंपरा भी मिल जाए गुरु शिष्य एकेडमिक क्या होता है ना वो तो सिलेबस होता है वो सिलेबस का अनुसार आपको जाना पड़ेगा तो वो अलग चीज है बिल्कुल अलग उससे कोई मतलब ही नहीं है जो कलाकार अच्छा कलाकार बनने का अच्छा कलाकार बनने का वो अलग सोच है इसमें एकेडमिकली बहुत बहुत जानकारी होता है एकेडमिकली लेकिन जब स्टेज परफॉर्मेंस है हम लोग परफॉर्मर है आप अगर परफॉर्मर बनना चाहते हो तो वो तो अलग चीज सोचना पड़ेगा जो कैसे परफॉर्मिंग होगा कैसे मैं श्रोताओं को ऐसा एक्साइटमेंट देगा तो ये गुरु शिष्य कॉलेज में तो अभी देखो इंडिया में तो इतना है मेरे को सब कॉलेज से वर्कशॉप होता है मेरा लेकिन कॉलेज में एक तरीका का होता है उसमें जो एक 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 कायदा को देखिए ना एक कायदा मैं अगर सिखाऊं 10 आदमी को तो 10 आदमी 10 तरीका से दिमाग में लेता है ना जी, तो जी. जो अच्छा इसको करना चाहते हैं उसको खुद करना पड़ेगा लेकिन गुरु शिष्य परंपरा मेरे ख्याल में मुश्किल तो है ना अभी फिनेंशियल सिचुएशन अभी जमाना चेंज हो गया अभी जगह का प्रॉब्लम हो गया अभी गवर्नमेंट से कुछ हेल्प मिले तो हो सकता है जो एक इंस्टीट्यूशन जहां गुरु भी रहेंगे एटलीस्ट 15 days 15 दिन रहेंगे महीना में शिष्य पर चलो चलिए स्टूडेंट के साथ रहोगे तब होता है लेकिन अभी मुश्किल है लेकिन कुछ नहीं इससे जो चल रहा है इससे भी अच्छा हो सकता है ये मेरा तो ये क्यों नहीं होगा आपको सोच अच्छा होगा अच्छा अच्छा म्यूजिक सुनेंगे और थोड़ा सोचेंगे बस हम लोग तो यही चाहते हैं हम लोग देखिए हर आदमी रविशंकर निखिल बनर्जी नहीं हो सकते हैं होगा भी नहीं जिंदगी में नहीं शांता प्रसाद नहीं हो सकते होने का जरूरत भी नहीं लेकिन अच्छा तो सीखो थोड़ा तो करो बस यही है यही तो ये भी हो जी गुरुजी मैंने आपके एक इंटरव्यू में ये सुना था जरूर कि आपने कहा था कि तालीम को रियाज मार देती है तालीम जो होता है तालीम से आप सोचोगे तो उससे तो चीज आएगा ना जी उससे आपको और भी रास्ता खुलेगा जो तालीम ऐसा होता है जैसा धातु के घेरने धातु के सब मैं भी सीखा सब लोग सीखा लेकिन इससे क्या हुआ धातु जी
और जो मैं पहले दिखाया था, हम लोग मसीद खान साहब का बड़ा अच्छा चीज है ये, आपने सुना होगा, इसको लेके मैंने ये किया। सिंसियरली होना चाहिए, और वो जो है ना गुरु भक्ति, गुरु के साथ कुछ भी ट्राई करे गुरु के साथ धोखा देने का, तो वो मुश्किल हो जाएगी। मतलब वो तो आपको ऐसा हाथ बंद कर दे सकते हैं, बोल दे के जो कभी नहीं बजेगा। और गुरु के गुरु भक्ति आजकल सब है, कम हो गया। हर गुरु को लोकल, अपने गोवा के गोवा में जो तबला तुम लोग सिखाते हो, तुम लोग भी अच्छा किया, तुम लोगों को भी विद्यार्थी लोगों को अच्छा रिस्पेक्ट, विथ फुल रिस्पेक्ट देना चाहिए। जो लोकल गुरु हो या वो गुरु के हाथ से कुछ अभी तबला निकालता नहीं वो भी हो, तो ये बात बिल्कुल गलत है। गुरु लोगों को ऐसी हार्टफुली रिस्पेक्ट देना चाहिए। गुरुजी, आपके आपके एरा में, आपके टाइम में किन किन तबला वादकों से आप बहुत प्रभावित हुए हैं, आपके इंस्पिरेशन कौन है? मेरा इंस्पिरेशन अगर पूछो तो मैं बताऊं, मेरे को 5 साल उम्र से मेरा चाचा जी ने, मैं कहता हूँ 60 से मेरे को थेरेपा खान साहब जब भी कलकत्ता में आते थे उनको सुनाते थे जी। एक भी कॉन्सर्ट मिस नहीं हुआ। और बोला ये सुनो, मिडनाइट में 2:30 बजे, मैं बच्चा 6 साल की उम्र था, तब मैं उठ के शुरू होने से ऑल नाइट प्रोग्राम था, मैं उठ के बस तैयार हो गया, और 2-3 हजार ऑडियंस थे पैंडल में ठंड के मौसम में, तो थेरेपा खान साहब मेरा कान में ऐसा आ गया था ना, जो बचपन से जो मैं मेरा थेरेपा खान साहब तो मैं क्या बताऊं, मेरा हीरो, मेरा गुरु, मेरा सब कुछ, मैं उनको समझता हूं। और भी बहुत उस्ताद से मुझे मुलाकात हुआ, पर्सनली मुलाकात नहीं, बैठ के बातचीत, जैसा लड़का खान साहब बहुत प्यारे आदमी था, मुझे अपना खुद से इतना कॉम्पोजिशन बताया और छंद का बारी में, तिहाई के बारी में, तिहाई का तो उनका सवाल अलग था, तो इतना इतना बताया। मैं बॉम्बे में जब भी जाते वो 10-15 साल लेके मेरा प्रोग्राम में सुनना आता,
यही सब लड़का बेटा जैसा होता है। मेरा उनका फैमिली का साथ जाकिर भाई फजल बड़ा बड़ा इंटीमेट दोस्ती है बहुत सालों से। फिर मैं शांता प्रसाद जी से प्रभावित तो जरूर हुआ। शांता प्रसाद जी ये तुम्हारा फिर मैं प्रभावित ज्यादा हुआ था मेरा गुरु भाई सीनियर कानाई दत्त पंडित कानाई दत्त से एक टाइम प्रभावित हुआ था बहुत हुआ था। और देखो आज क्या है प्रभावित मैं तुम्हारा चतुर्लाल जी से बहुत प्रभावित हुआ। चतुर्लाल जी प्रभावित नहीं मैंने उनका तबला सुन के तो तबला लेके बैठ जाता है और कुछ चीज नहीं आता है सब चीज जाकर जाता है। इतना भयंकर तबला बजाया चतुर्लाल जी लोग जानता नहीं लेकिन हमको पता है किस तरीके का तबला उन्होंने बजा के किया। उनका उनका साइड में उनका पास में बैठ के तबला बजाना मुश्किल है कोई भी उस्ताद हो ऐसा तबला बजा के किया। देखो तो किसी को होता है बहुत तालीम होता है किसी किसी को कम तालीम होता है लेकिन ये होता है ये बात तो अलग है। लेकिन मैं परफॉर्मिंग की तालीम मैं कहता हूँ मैं रिकॉर्डिंग तो हबीबुद्दीन खान साहब का भी सुना नाथू खान साहब का सुना रिकॉर्डिंग सुना और थेरेपा खान साहब को लाइव देखा तो सब लोग से प्रभावित तो हूँ। मैं सबको सुनता हूँ और लेकिन शांता प्रसाद जी ने किशन महाराज जी ने तबले में तबले को आप अगर पूछो तो तबले का इज्जत तबले का सम्मान तबले का ये किशन महाराज जी ने बहुत बढ़ाया पूरा दुनिया बहुत बढ़ाया। और तबले का जो रिएक्शन था तबला प्लेयर के ऊपर जो वो साइड में बैठ जाओ मैं खुलो बजाओ दो चार सौ मिल जाए ये सब चेंज कर दिया किशन महाराज जी ने। तो आज देखो तबला राजा की तरह राज करते हैं दुनिया में तबला तो ये कितना खुशी की बात है। तबला सब्जेक्ट जिसको मैंने सोचा भी नहीं ये राज करते हैं। आज तबला शुरू होने से पहले लोग बाहर जाता हॉल से बाहर जाके तबला शुरू होने के साथ हॉल पे आ जाता ये कितना आनंद की चीज है। सब तबला वादक के लिए तबला ग्रुप के लिए हमारे ये बात है। लेकिन बहुत मैं तो बहुत सबको सुना सबको क्या है किनको लयकार ज्यादा है किनको तैयार ज्यादा है किनको ये है वो तो है सब में। मैं प्रभावित अगर बोलो तो थेरेपा खान साहब से अलग-अलग खान साहब से शांता प्रसाद जी से प्रभावित उस टाइम में छोटा उम्र में हुआ फिर कानाई दत्त को हुआ फिर कुछ टाइम करामत खान साहब से थोड़ा सा उनका चीज अच्छा लगता था तो उनको नकल करने लगा। गुरु जी ने मुझे कहते थे अरिंदो तुम्हारा रेडियो प्रोग्राम सुना जी बजाया मैं आपको 70s का बात करता हूँ तो लेकिन सुनो एक बात मैं कहूँ तुम जिस दिन बहुत अच्छा बजाओगे उस दिन लोग तो जो सोचे रेडी हो वो सोचेगा जी ये करामत बजा रहा है करामतुल्लाह खान बजा रहा है। गुरु जी का दोस्त था ना एक साथ बहुत रियाज किया मसीह साहब और जिस दिन करामत बहुत खराब हो जाएगा उस दिन लोग सोचेगा ये बिल्कुल अनिंद हो जाएगा। तो किसी को नकल मत करो अपने अपने सोच लगाओ अपना बात जी। तो गुरुजी ऐसा भी एक प्रश्न है कि सब पिच के तबला जो है सब पिच में डिफरेंस डायमीटर रहता है तबले का जो साइज तो सब पिच के तबला के ऊपर प्रैक्टिस करना जरूरी है या हाँ मेरे ख्याल में क्या है ये जो कॉन्सेप्ट है ये मेरा सागरज भी एक बच्चा 12 साल का काल एक तबला वीडियो में दिखाया 6.5-7 इंच का तबला
लिया जी, उसको मामी को बहुत डांटा। मैंने बोला कौन बोला, बोला आपको बोला था एक कपड़ा लेना है। मैंने बोला तुम 6.5 पौने 7 तुम्हारा बच्चे का अंगुली इतना इतना है जो उसमें तो बिल्कुल घट जाएगा तबला, मतलब बिगड़ जाएगा सब, वो वापस दे दो उसको 5.5 पौने 6 का तबला बजाओ। लेकिन देखो हम लोग परफॉर्मर अगर होता है तो देखो सोलो में तो मैं 6.5 बजाता हूँ, रियाज भी करता हूँ, लेकिन मैं 5.5 में भी रियाज करता हूँ, इसलिए जो इसके लिए भी एक अंदाजा तो है ना लेंथ। अगर कल मेरा एक प्रोग्राम होगा फ्लूट के साथ हरि जी का, तो मेरा को 5.5-5.5 का बजाना पड़ेगा पूरा कॉन्सर्ट, और उसमें सब कुछ हो सकते हैं, कौन कौन जाने। तो 5.5-5.5 का तो क्या होगा, तुम अगर नहीं रियाज करोगे तो वो तो हाथ तो ना बाहर आ जाएगा, टूट बाहर आ जाएगा, ऐसा होता है। तो 5.5-5.5 है ठीक है जी। तो गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ इतना बहुत कीमती वक्त बिताया है। अंत में हमारे स्टूडेंट्स को एक लास्ट मैसेज और इंस्टीट्यूशन को आप क्या देना चाहेंगे? इंस्टीट्यूशन को मैं ये कायदा देना चाहता हूँ, एक कंपोजिशन चलेगा ना? जी जी जी, देखो धागे तेरे के ते धागे तेरे के ते धागे तेरे घड़ान धादा तुन्ना करे ना के धा तेरे के तक घान तक धादा करे ना के तुन्ना करे ना, फिर इसके बाद खाली होगा। क्या हुआ मैं फिर से पढ़ता हूँ जी। धागे तेरे के ते धागे तेरे के ते धागे तेरे धागे तेरे के ते धागे तेरे के ते धागे तेरे घड़ान धादा तुन्ना करे ना के धा तेरे के Yeah.
का जो दिस इज फॉर दिस टुडेज लिसनर्स और तबला स्टूडेंट्स, तुम लोग देखो मैं ये बताना चाहता हूँ जो तो वो चार देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ जो कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जो आपका सिलेबस है वो अब तो पूरी करना है नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगी, वो तो एकेडमिक हो गया। लेकिन हमारा संगीत में तो मार्क्स कोई नहीं है, मार्क्स क्या है एवरीडे है, आज एक कॉन्सर्ट है उसका मार्क्स न्यूज़पेपर और हमारा दर्शक संगीत प्रेमी को उन्होंने मार्क्स देगा और परसों भी एक प्रोग्राम है उसका भी तो एवरीडे एग्जामिनेशन कंपटीशन एवरीडे फॉर होल लाइफ, तो इसकी वजह से तैयार होता है कला कर लो। लेकिन आपने देखो हो सकता है बहुत आड़ का ताल है उसमें हमारा सिलेबस में जो ये 18 मात्रा का ये सुनो ये 14 मात्रा का मतलब बहुत बहुत ताल है जो मैं भी कभी नहीं सुना और जानता भी नहीं, लेकिन वो तो करना है पढ़ने के लिए। लेकिन अपना तैयार करो हाथ को परफॉर्मर के लिए, जो क्षमता प्रसाद जी को देखो सारे जिंदगी 5-6 चीज बजाया और ऐसा बजाया जो कोई छू नहीं सकता जी। तो लोग तो नहीं बोला जो बोर हो गया, नहीं बोला नहीं बोलेंगे, वो चीज हजार बार सुनेंगे वो एक ही चीज। तो मेरा कहने का ये है जो चुन ले जो जिनके हाथ में अच्छा आ जाए दिमाग में वो करके ना इतना कॉम्पैक्ट करना है बस वही करना है, लहरे का साथ प्रैक्टिस करना और घराना में मगज मतलब दिमाग खराब ना करे। घराना बोल के कुछ पहले था जो उस्ताद ने पंडित ने जिस शहर में रहते थे हमारे देखो मसीद खान साहब रामपुर का दरबार में तो काम करते थे उस्ताद मसीद खान साहब, तो रामपुर घराना तो रामपुर घराना बोल के रामपुर में रहते थे मसीद खान साहब। मसीद खान साहब तो ग्रेट लीनियज, वो तो 25 उनका पीढ़ी है हाजी बिलाल खान साहब के लेके। फिर हाजी बिलाल खान साहब का जो लड़की का शादी हुआ वो लखनऊ का मियां बख्शू जी का बेटा के साथ, तो बोलो का कमाल सब बोलो का आदान प्रदान हुआ था। इससे क्या हो गया तेरका खान साहब भी बोला देखो फरुखाबाद लखनऊ ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं, फरुखाबाद थोड़ा पूरा अंग बजते और लखनऊ थोड़ा खुला किनार का बस है, तो दिल्ली का जो है खास करके तो उंगली का चीज तेरे कहते हो या देते हो कितना होता है धरते ये तो कायदा है इस कायदा है धरते हो गया। अगर कोई बजाता है धाते उल्टा तो ये दूसरा हो गया, ये दिल्ली का है नहीं सकते क्योंकि दिल्ली का स्टाइल ही है दोगली का पेटे और मिडिल फिंगर फर्स्ट, तो सिर्फ वैसा ही धाते और जो स्टाइल है देखो अल्लाह रखा खान साहब का मैं एक एग्जांपल देता हूं, उनका तबले का एक स्टाइल है जो बजाने का उनको सुनना पड़ेगा बहुत सुनना देखो उनको ठेका सुनो रविशंकर जी का ठेका सुनो कैसा ठेका देते थे 14-15
अमेरिका जाते थे लेकिन डिस्टर्बेंस नहीं करते थे। तो ये ठेका तुम बजाओ तो बता सकते हो कि आपा जी का याद से ठेका तो वही है। देखो ठेका में विद्यार्थी लोगों को मैं और एक चीज बताता हूँ, जो हमारा बुक में है जो ठेका है था कोई तबला वादक बोलते था तेरे केटे दिन नहीं होगा और या तो खाली के बाद ना तिन तिन ता ताकेत्र के दिन नहीं होगा। ये गलत है, मैं सब गुरु से बात कर सकता हूँ क्यों गलत है। देखो ये जो ठेका है बुक में जो है गुरु जो सिखाया वो ठेका बजाओगे तो लोग हल से उठ जाएगा था है नहीं कुछ ऑर्नामेंट्स ही नहीं आए और कोई सितार सरोद वाला भी उठ के चला जाएगा तो बोलेगा तुम्हारा साथ नहीं बजाऊंगा। देखो उनको डिस्टर्ब नहीं करके ये जो अलंकार है ऑर्नामेंट्स ये नहीं देने से क्या होगा, तो ये आप नहीं कह सकते हो जो गलत है। हाँ ठेका तो वही है था दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा, लेकिन ये बजाओगे तो रंग नहीं खुलेगा। ठेका बजाओ शुद्ध ठेका तो धा दिन दिन का कोई ऑर्नामेंट्स नहीं होगा, लेकिन ऑर्नामेंट्स के साथ बहुत कुछ हो सकता है। इसमें झगड़े का बात नहीं है, ये तो वही है जो प्रैक्टिकल है वो कहना ही है। उदय थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली मीटिंग स्टार्ट होने में बहुत दिक्कत हो गई क्योंकि हम फर्स्ट टाइम ये माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के ऊपर ऐसा एक इवेंट करने की कोशिश कर रहे थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको और अनुव्रत भाई आपको भी। सॉरी इसको क्या है, मेरा तबला छोड़ के आता नहीं कुछ, ये सब अनुव्रत ने सेटअप करके वो दूसरा क्लास में चला गया, वो सेटअप में कुछ गड़बड़ हो रहा था, यही मुश्किल है ऑनलाइन। तो फिर भी अच्छा हो गया, आई एम वेरी हैप्पी एंड समटाइम्स आई विल विजिट कॉलेज डेफिनेटली और आप करने की कोशिश करेंगे कॉलेज में। हाँ आपका वो शशांक जी है ना वहाँ? जी जी हाँ शशांक को भी नमस्कार दीजिए पूरा टीम को। पंडित जी मैं हूँ, इतना प्यार है इसलिए मैं खुश हूँ। तबले का ऊपर इतना प्रेम है इसलिए मैं खुश हूँ। जितना हिंदुस्तान में लोगों का तबले का ऊपर प्यार है मैं उनका ग्रुप में हूँ। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू थैंक यू। अभी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अंजू भाले Librarian Goa College of Music for proposing the words of vote of thanks. Namaskar. Namaskar sir. मेरा नाम अंजू पाय भले है, मैं इस कॉलेज के लाइब्रेरियन हूँ। अंजू अंजू बहुत अच्छा। थैंक यू। गोवा कॉलेज ऑफ म्यूजिक आल्टिन गोवा की तरफ से मैं माननीय पंडित अनिंदो चटर्जी का मन से धन्यवाद करती हूँ। सर हम आपके आभारी हैं कि आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया
और अपनी जो नॉलेज है और एक्सपीरियंस है वो हमारे पार्टिसिपेंट से शेयर किया। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे पार्टिसिपेंट्स इसको अच्छी तरह से फॉलो करेंगे और उसका अच्छा उपयोग भी करेंगे। मैं सतीश कोहली जी का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, हारमोनियम आर्टिस्ट, फॉर असिस्टिंग कम्युनिकेशन विद पंडित जी, और श्रीमती वंदना नायक, हमारी असिस्टेंट प्रोफेसर रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन फ्रॉम डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन गोवा, फॉर हर टेक्निकल असिस्टेंस। आर इंस्पिरेशन डॉक्टर शशांक मक्तेदार जी, who inspires us a lot, for his support, the participants who have attended this webinar, and Shant Tech Avan from Microsoft Teams for making this possible. Thank you, Pandit ji. और हम आपके तरफ से भी मेरे तरफ से थैंक्स देता हूँ। would have been possible without Anubrata's great help for this connection. Thank you so much. धन्यवाद। Thank you so much. धन्यवाद।